हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू साहिद और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कमोड फिटिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कमोड का बॉक्स है और इसके अंदर कमोड रखा हुआ है। और इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जल कंपनी कमोड है। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में जल लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है जॉय ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडियन कंपनी का कमोड है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो चलिए आपको खोलते हैं और दिखाते हैं कैसा कमोड है। उसके बाद में कमोड को बाथरूम में इसको पूरा इंस्टॉलेशन करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहले अभी खोलते हैं और उसके बाद में बाथरूम हम लोग इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं कैसे ये कमोड को इंस्टॉलेशन होता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, ये है एस कमोड, इसको एस कमोड भी बोलते हैं। और बहुत से कमोड होते हैं, जैसे कि पी कमोड होते हैं, वॉल हैंग कमोड होते हैं, तो ये एस कमोड है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये इसका वाशर है। इनलेट में ये फ्लश टैंक जब लगेगा उसके लिए है। और नीचे देख सकते हैं दोस्तों, नीचे ये आउटलेट लाइन है और नीचे एस ट्रैप बना भी हुआ है। इसको एस कमोड इसीलिए बोला जाता है। तो यहाँ पर पाइप फिट होगा जब हम लोग बाथरूम में जाएँगे तो। और नीचे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रू फिट होगा। स्क्रू यहाँ पे फिट होगा, जब बाथरूम हम लोग उसको फिट करेंगे तो वहाँ पे लंबा सा एक स्क्रू भी लगाया जाता है जो कमोड को टाइट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दूसरा साइड में आप देख सकते हैं, ये दूसरा साइड में यहाँ पर भी दूसरा स्क्रू लगाया जाएगा। अभी हम लोग बाथरूम में जाते हैं और देखते हैं इसका पाइप। दोस्तों, ये छोटा सा बाथरूम है, ये सर्वेंट बाथरूम इसको बोलते हैं। ये छोटा सा बाथरूम है, इसी में इस कमोड को हम लोग फिट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये थोड़ा पाइप अभी लंबा है, तो इसको अभी हम लोग मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कमोड का जो आउटलेट हिस्सा है उसको देखेंगे, उसके बाद में इसको हम लोग मेजरमेंट टेप से नाप किसको हम लोग काटेंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये कमोड का जो नीचे का हिस्सा है उसको हम लोग नाप ले रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा है, करीब ये देख सकते हैं, ये 1.25 इंची लगभग ये अंदर जा रहा है। इसमें ज़्यादा जाने का जगह नहीं दिया हुआ है, ये मतलब 1.25 इंची तक ये अंदर ये पाइप ले सकता है। तो इसी हिसाब से हम लोग को जो 4 इंची का पाइप है उसको हम लोग को काटना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये ठीक है, 9 से 10 इंची तक ये ठीक होता है। तो अभी इसको हम लोग नीचे से मेजरमेंट कर रहे हैं 1.25 इंची और इसको फटाफट से हम लोग काटते हैं। तो चलिए, पाइप पूरा कट चुका है। अभी हम लोग कमोड और पाइप में लुब्रिकेंट लगा के अभी इसको सेट कर रहे हैं, देखते हैं कि सही से जा रहा है कि नहीं। क्योंकि जो पाइप है दोस्तों, पाइप के अंदर थोड़ा सा पाइप जो है वो टेढ़ा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो कमोड है वो सही से नहीं जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो पाइप है वो अंदर से थोड़ा टेढ़ा भी है और जो कमोड का जो आउटलेट होता है वो थोड़ा सख्त होता है और जो पाइप का टुकड़ा है वो पूरा प्लेन है। इसी कारण ये सही से नहीं जा रहा था। इसको मतलब सही से फिट करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा दूसरा उपाय यहाँ पे देखना होगा। तो आप देख सकते हैं, नीचे इस साइड में कमोड पूरा फ्लोर में नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे हम लोग कमोड को नहीं बैठाएंगे, पूरा उसमें मतलब बैठना चाहिए, पूरा फ्लोर में कमोड को अच्छी तरीके से बैठना चाहिए। तो चलिए, आप क्या करेंगे, आप आगे देखिए। दोस्तों, अभी हम लोग आग जला के, आप देख सकते हैं आग जला के हम लोग जो पाइप का अंदर का हिस्सा है वो थोड़ा चपटा हो चुका है, इसीलिए हम लोग इसमें
नरम करने जा रहे हैं आग जला के, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा रिक्स है क्योंकि पाइप इसमें थोड़ा डैमेज हो जाता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके इसको हम लोग आग जला के इसको हम लोग थोड़ा पाइप को नरम कर ले रहे हैं, उसके बाद में हम लोग कमोड फिट करेंगे। दोस्तों अगर आप भी कहीं कमोड फिट करते हैं, एस कमोड फिट करते हैं, मतलब एस कमोड में ही हम ये नीचे का हिस्सा होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा रिक्स नहीं होता है। जो आउटलेट होता है वो नीचे होता है, इसमें लीकेज का टेंशन नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसमें थोड़ा गर्म कर ले रहे हैं और आग जला के इसको नरम कर रहे हैं। उसके बाद में हम हमारा जो आउटलेट, जो कमोड का आउटलेट है वो सही से इसमें फिट हो जाए, इसीलिए हम लोग थोड़ा इसको नरम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसको चलिए आग जला के नरम करते हैं, उसके बाद में हम लोग इसमें कमोड फिट। पाइप पूरा गर्म हो चुका है, तो अभी कमोड को लगा के देखते हैं कि कमोड सही से बैठ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा कमोड मतलब ज़मीन में बैठ गया है। तो इस तरीके से आपको ज़मीन में पूरा आपको फ्लोर से मतलब सटा देना है कमोड को इस तरीके से। कमोड उठा हुआ रहने से ख़राब दिखता है और सही से बैठता भी नहीं है, उससे कमोड क्रैक भी हो सकता है। अभी ये कमोड पूरा फ्लोर में बैठ गया है और पाइप में भी अच्छी तरीके से घुस गया है। अब इसको मेजरमेंट करके हम लोग सीधा भी देख लेते हैं कि सीधा है कि नहीं। उसके बाद में इसका जो नीचे का स्क्रू है जहाँ पर कमोड टाइट हम लोग करेंगे, उसका यहाँ पे दागी लगा ले रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला स्क्रू लगेगा और दूसरा स्क्रू दूसरे साइड में लगेगा, वहाँ उसका भी हम लोग उसका मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग कमोड को फिट कर देंगे। दोस्तों अभी हम लोग कमोड यहाँ पर निकाल दिए हैं। अभी यहाँ पर दो मार्किंग आपको नज़र आ रहे हैं, एक पहला मार्किंग आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और दूसरा मार्किंग यहाँ पे। यहाँ पे दोनों में यहाँ पे स्क्रू हम लोग को लगाना होगा। सबसे पहले हम लोग को ड्रिलिंग करना होगा, ड्रिल अभी करने जा रहे हैं। और दोस्तों अभी जो आपको पाइप हम लोग गर्म कर किए थे पाइप, वहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वो पाइप थोड़ा काला हो चुका है और वो फैल भी चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आग जलाए थे और कमोड को बैठाए थे, इसलिए फैल चुका है और पूरा काला हो चुका है। पूरे अच्छी तरीके से नीचे बैठ चुका है फ्लोर में, आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग स्क्रू का जो मार्किंग लगाए थे वहाँ पे हम लोग दोनों स्क्रू को अभी कसने जा रहे हैं।
पूरा फिट हो गया टाइट। दोस्तों कमोड तो लग चुका है, लेकिन कमोड को लगाने के बाद फ्लश टैंक को लगाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्लश टैंक को अगर आप नहीं लगाइएगा तो कमोड को लगाना अधूरा हो जाएगा। कमोड फ्लश टैंक के बिना कमोड अधूरा है। तो अभी जो फ्लश टैंक का नट बोल्ट था उसको हम लोग लगा दिए हैं दीवार में। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसीलिए हम लोग इसको अब आप लोगों को नहीं दिखाएँ। यहाँ पर अभी फ्लश टैंक को अभी टांग दे रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो इसका फास्टनर लगा दिए हैं और फ्लश टैंक को अभी इसमें फिट किए हैं। तो दोस्तों अभी देखते रहिए अभी कैसे इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे दो जो इसका फास्टनर है सिस्टम का उसको अभी यहाँ पे खपा दिए हैं और नीचे भी इसको टाइट करने दें। और यहाँ पे एक और चीज़ भी लगाना अभी हम लोग को बाकी है, सीट कवर। सीट कवर भी कमोड के ऊपर अभी लगा के ये पूरा कमोड कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों तो हम लोग सीट कवर भी यहाँ पे लगा दिया, आप दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि इस कमोड के ऊपर अभी सीट कवर लगा हुआ है। कनेक्शन पाइप भी हम लोग सिस्टम में लगा दिए और नीचे अभी वाइट सीमेंट लगाना भी बाकी है। सीट कवर को हम लोग अभी प्लास्टिक से जो इसका प्लास्टिक था उसके ऊपर अभी लगा देते हैं, अभी ये यूज नहीं होगा। और नीचे पर अभी वाइट सीमेंट साइड साइड में लगाना भी बाकी है, उसको भी लगा देंगे लास्ट में। तो नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे अभी साइड साइड में वाइट सीमेंट अभी लगा दे रहे हैं, उसके बाद में कमोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।